मध्य प्रदेश में प्री मॉनसून के एक्टिव होने से कई जिलों में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है, जबकि पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां आज शुक्रवार की सुबह ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 15 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालु ग्राम विस्वार से ट्रैक्टर की ट्रॉली में सवार होकर रतनगढ़ माता मंदिर पर जवारे चढ़ाने के लिए जा रहे थे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और CSIR IGIB के वैज्ञानिक से मिलकर मंकी पॉक्स की कुत्ती सुलझा ली है। मंकी पॉक्स एक पशुजन्य बीमारी है, जिसकी पहचान पहली बार 1970 में पश्चिमी और मध्य अफ्रीका में हुई। ये रोग वायरस के कारण होता है, जो संक्रमित जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर आवागमन की पूर्व सुविधा इसी महीने शुरू करने की तैयारी में है। ये वही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है, जिसे लेकर अखिलेश प्रियंका ने 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले 25 मई को सारा स्टेट मैदान में योगी सरकार पर तंज कसा था। दिल्ली में पानी संकट के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पर ऐलान किया है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने ऐलान किया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी दिल्ली में इसको लेकर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने पानी संकट के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस खुद को जरूरत से ज्यादा आंक रही है, उन्हें लगता है कि वे सबको ज्ञान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आरएसएस को कोई ज्ञान देता है तो चुनाव से पहले दिया करे, ये लीपापोती का काम बंद करे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचल में सफाई का सबसे बड़ा कारण कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया है। कहा जाता है कि राजा भैया जैसे चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है। जिस पार्टी के साथ राजा भैया खड़े हो जाते हैं उसे पार्टी की जीत निश्चित होती है। केंद्रीय बजट 2024 को 22 जुलाई को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे 3 जुलाई को जारी होने की उम्मीद है। एक समाचार पोर्टल ने यह जानकारी सरकारी सूत्रों के हवाले से दी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा एक बार फिर सुर्खियों का हिस्सा बन गए हैं। मुंबई के सेशन कोर्ट ने पुलिस से शिल्पा शेट्टी और उनके पति बिजनेसमैन राज कुंद्रा के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया। शिल्पा और राज कुंद्रा पर सराफा व्यापारी ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान में होना है। भारत का कहना है कि हम ICC चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएंगे, बल्कि टूर्नामेंट का आयोजन हाइब्रिड मॉडल पर हो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत के हाइब्रिड मॉडल सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया है।